Hi viewers, Assalamu alaikum. It is me, Mr. Syed Wazir, a mentor of CSS English Essay and Pressy. Viewers, for your kind information, I have no academic affiliation with any CSS or PMS-related academy. I have been teaching CSS English Essay, Pressy, and Current Affairs for the last seven years in Islamabad. वीवर्स काइंडली आप मुझे इंटीमेट करके बता दे के एम आई ऑडिबल एम आई ऑडिबल टू यू गाइज जी स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन वन बाई वन आई विल एड्रेस यूअर क्वेश्चंस आई विल कम अप विथ कोजेंट परसवेसिव एंड आर्ग्यूमेंटिव रिप्लाइज अभी तक आप लोग पेशेंस डिस्प्ले करें uh, मैं आप लोगों के साथ आज डिटेल के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ऐसे से रिलेटेड या प्रेसी से रिलेटेड हैं uh, मैं डिस्कस करूँगा मैं आपके क्वेरीज आपके कॉमेंट्स आपके क्वेश्चन uh, को भी होलिस्टिकली uh, और एक एनालिटिकल अप्रोच के साथ मैं रेडी करूँगा इन शा बरमान रही स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू आज का जो हमारा एजेंडा है टॉपिक दैट इज यस एस पी एम एस एस एंड वैसे मैंने टाइटल में भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने लिस्ट किए थे लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नंबर वन सिलेबस ऑफ सी एस एस वर्सेस पी एम एस इंग्लिश एस एंड प्रेसिंग नंबर टू हाउ टू ट हाउ टू स्टार्ट एस ए राइटिंग फॉर सी एस एस एंड पी एम एस एग्जामिनेशन नंबर थर्ड ऐसे, ऐसे के पर फीचर्स पे ऐसे के टेक्निकलिटीज पे ऐसे के वैल्यूज पे ऐसे के नाम्स पे हम बात करेंगे नंबर फोर वाई स्टूडेंट्स फेल इन सी एस एस एंड पी एम एस इंग्लिश एस ए नंबर फाइव द एफ पी एस सी रिपोर्ट्स नंबर सिक्स मॉडल आउटलाइन एंड इंट्रोडक्शन नंबर सेवन Evaluation, assessment, checking. Number eight, FPSC exam strategic plan. abhi students one by one, I will be addressing. I will be responding, responding to your queries. Once we are finished with the agenda points of today's class, so to आप स्टूडेंट्स ये करें कि आपने क्वेश्चन आप लोग लिस्ट करें किसी भी पेज पे आप लोग क्वेश्चन लिख लें बिल्कुल एट द एंड ऑफ द क्लास मैं आप लोगों को इंटीमेट करके मैं आप लोगों को इंडिकेट करके मैं बताऊंगा कि नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। तो अभी द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग सिलेबस ऑफ सीएसएस वर्सेस पी एस एम या पे स्टूडेंट्स मैंने हार्ड कॉपीज में दोनों सिलेबस को मैंने सिक्योर किया और या पे मैंने कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया दिस इज योर सिलेबस ऑफ पीएमएस ये आपका पीएमएस का सिलेबस है एंड दिस इज सिलेबस ऑफ योर सीएसएस एस दिस इज नॉट विजिबल टू यू लेकिन वन बाई वन मैं प्रेसी से शुरू करूंगा प्रेसी से अगर हम पीएमएस के सिलेबस पे बात करें पीएमएस के सिलेबस स्पेशली द स्टूडेंट्स ऑफ केपी बिकॉज दे आर गोइंग टू टेक देयर पीएमएस इन द नियर फ्यूचर तो अगर हम फर्स्ट पीएमएस के सिलेबस पे बात करें तो दैट इज बेस्ट ऑन टू पार्ट्स देर आर टू मेजर क्लासिफिकेशंस एक है आपका सब्जेक्टिव पार्ट और एक है आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑब्जेक्टिव पार्ट में आपके फर्स्ट ट्वेंटी मार्क्स के लिए सिनोनिम्स एंटोनिम्स पेयर्स एनालोजीज या सेंटेंस करेक्शंस के बारे में आपसे पूछा जाएगा ठीक है बिल्कुल विद इन थर्टी मिनट्स आप इस क्वेश्चन को डील करेंगे ट इज ऑफ ट्वेंटी मार्क्स एंड द टाइम लिमिट इज थर्टी मिनट्स तो आप सीना न्यूज पे काम करे एंटा न्यूज पे आप लोग काम करे एनोलॉजी पे काम करें ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स पे काम करें और सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पे काम करे, करे, करे करेक्शन पे मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पार्ट के बारे में बताता हूं ठीक है इसके अलावा ऑब्जेक्टिव पार्ट में यहां पे ग्रामर एंड ओकेबलरी ग्रामर एंड ओकेबलरी ग्रामर एंड ओकेबलरी में स्टूडेंट्स आपको पेयर ऑफ वर्ड्स आपसे पूछे जाएंगे आपको सेंटेंसेस दिए जाएंगे करेक्शंस के लिए आपको एडियम्स दिए जाएंगे आपको डायरेक्ट एंड डायरेक्ट से नरेशन से आपको सेंटेंसेस दिए जाएंगे और आपसे ट्रांसलेशन का क्वेश्चन पूछा जाएगा लेकिन के पीपीएमएस में ट्रांसलेशन का कोई क्वेश्चन नहीं है ठीक है यह डिफरेंसेस मैं आपको लिस्ट करके बताता हूं अगर हम सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ आ जाएं, दैट इज योर कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग एंड योर प्रेसी राइटिंग स्टूडेंट्स ये ट्वेंटी मार्क्स के दोनों क्वेश्चन दे कैरी ट्वेंटी मार्क्स प्रेसी में अगर हम बीफरकेट करें तो 15 मार्क्स आपके प्रेसी के होंगे और 5 मार्क्स टाइटल के और अगर हम कंप्रिहेंशन पे बात करें कंप्रिहेंशन रीडिंग पे तो इसमें आपसे चार क्वेश्चंस पूछे जाएंगे किसी भी पैसेज पे ईच क्वेश्चन कैरीज फोर मार्क्स ठीक है अभी सी और पी के प्रेसी के पेपर्स में मेजर डिफरेंसेस कौन कौन से मेजर डिफरेंसेस हैं स्टूडेंट्स फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन सिर्फ दो तीन मेजर डिफरेंसेस हैं सी में कंपलसरी ट्रांसलेशन के बारे में आपसे पूछा जाएगा और पंक्चुएशन के बारे में पंक्चुएट द पैसेज और द देंटेंसिस बाकी सेलेबस

कॉम्प्रिहेंशन इडियम्स सेंटेंस करेक्शन नेरेशन पेयर ऑफ वर्ड्स दे आर द सेम स्ट ऑफ दे आर द सेम मटेरियल विच आर कॉमन इन बोथ ऑफ द पेपर अभी स्टूडेंट्स अगर हम ऐसे की तरफ आ जाए ऐसे ऐसे में देर विल बे अवाइड रेंजिंग ऑफ टॉपिक्स आपको सेवन टॉपिक्स दिए जाएंगे आपको एट टॉपिक दिए जाएंगे आपको नाइन टॉपिक दिए जाएंगे आपको टेन टॉपिक दिए जाएंगे यह एक इंपॉर्टेंट चीज अंडरस्टेंड करें अगर आप एफ पी एस सी के सिलेबस को देख लें सी एस एस तो इसमें लिखा है कि स्टूडेंट स्टूडेंट्स आर सपोज टू राइट अन वन आर ट्रू एस एसम लेकिन पीएमएस के सिलेबस में स्टूडेंट्स आर सपोज टू राइट ऑन वन एसे बाकी अगर ऐसे के स्पेसिफिकली हम फीचर्स पे बात करें डायनेमिक्स पे बात करें टेक्निकलिटीज पे बात करें प्रिंसिपल्स पे बात करें वैल्यूज पे बात करें नाम्स पे बात करें अप्रोक्सीमेटली दे आर सिमिलर इफ नॉट आइडेंटिकल बस ये कंफ्यूजन आप लोग खत्म करें दिस इज सिग्निफिकेंटली फंडामेंटली इंपॉर्टेंट कि आप लोग सी एस एस एसे पी एम एस एसे सी एस एस प्रेसी पीएमएस प्रेसी के सिलेबस को तरोली होलिस्टिकली और क्रिटिकली अंडरस्टैंड करें और फिर आप एक जितने भी सेक्शंस हैं उन सेक्शंस को आप साइंटिफिकली तैयार करें उनको आप अंडरस्टैंड करें उनको आप प्रैक्टिस करें और उनको आप किसी से चेक करवाएं अब स्टूडेंट्स सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा जो एजेंडा है आज का दैट इज हाउ टू स्टार्ट राइटिंग हाउ टू स्टार्ट राइटिंग या पे मैं आपको राइटिंग के हवाले से आई विल टेल यू कि राइटिंग आप लोग किस तरह स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स नंबर वन ऐसे राइटिंग को आप लोग एक आइसोलेटेड एक रैंडम या एक एडहॉक अप्रोच के साथ कभी भी डील ना करें मैं फिर से ऐसे राइटिंग प्रोसेस को मैं एक्सप्लेन करता हूं द इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू स्टार्ट राइटिंग अभी मैं सेकंड पार्ट ऑफ द क्लास पे मैं बात करूंगा कि हाउ टू स्टार्ट राइटिंग तो स्टूडेंट्स फर्स्ट आप लोग राइटिंग को आप लोग अंडरस्टैंड करें कि व्हाट इज एकेडमिक राइटिंग अगर मैं सिंपली एक्सप्लेन करूं राइटिंग इज अ प्रोसेस राइटिंग इज एन एफर्ट राइटिंग इज अ स्ट्रगल बिटवीन अ राइटर एंड अ गिवन टॉपिक अगर हम राइटिंग को एकेडेमिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो इट्स अ स्ट्रगल बिटवीन अ राइटर एंड अ गिवन टॉपिक और स्टूडेंट्स एक अनदर इम्पोर्टेंट डायमेंशन इंटीग्रेशन ऑफ स्किल्स जब आप लोग पढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ स्किल्स के अंदर राइटिंग इज बेस्ट ऑन योर फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज That's why it's different from other sorts of activities, academic activities. So students, here writing is an evolutionary process. Writing is a systematic process. Writing is a multi-dimensional process. Our question is how to start writing an essay. या हम अगर इसको सिंप्लीफाई करें अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो सेंटेंस हाउ टू राइट अ सेंटेंस हाउ टू राइट अ सेंटेंस हाउ टू राइट अ पैराग्राफ हाउ टू राइट पैराग्राफ्स एंड हाउ टू राइट मिनी ऐसे एंड हाउ टू राइट अ कंप्लीट ऐसे तो स्टूडेंट्स नंबर वन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है नंबर वन इसमें आप लोग द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेलेक्ट योर टॉपिक सेलेक्ट यूर टॉपिक आप किसी भी टॉपिक को सेलेक्ट करें लेट सपोज वीमेन एम्पावरमेंट लेट सपोज जेंडर इक्वेलिटी लेट सपोज ग्लोबल वार्मिंग लेट सपोज गुड गवर्नेंस let's suppose democracy in pakistan let's suppose corruption and accountability yeah transparency and accountability and their impact on democracy yeah let's suppose the united nations who be topic outlook choose students they will start writing on any topic

या पे गेदर करें जब आप अंडरस्टैंड करेंगे सेकंड स्टेज में सेकंड स्टेज में आपने टॉपिक को अंडरस्टैंड किया और आ आपने रिसर्च इस पे शुरू की अभी थर्ड की तरफ में आता हूँ जब आप रिसर्च करेंगे देन कलेक्ट डेटा या गेदर इंफॉर्मेशन आप लोग इंफॉर्मेशन गेदर करें इंफॉर्मेशन को आप लोग कलेक्ट करें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद फोर्थ स्टेज में इस पूरे स्ट्रगल को एफर्ट को जो आपने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया था मटेरियल्स को आपने कलेक्ट किया था इसको फिर रीअरेंज करें री रीड करें जितने इंफॉर्मेशन आपने गैदर किए कलेक्ट किए उनको आप रीड करें अंडरस्टैंड करें जो आपने स्केच बनाया था फिर इसमें से ऐसे से रिलेटेड स्पेसिफिकली आप चीजों को टारगेट करें आप चीजों को स्पेसिफाई करें फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेज में नेक्स्ट स्टेज में आप लोग बैठ के विद इन विंडो ऑफ थ्री आवर्स आप लोग लिखने की कोशिश करें इसका मतलब यह नहीं कि आप लोग टेन पेजेस लिख लें आप लोग फिफ्टीन पेजेस लिख लें आप लोग ट्वेंटी पेजेस लिख लें आप लोग ये करें कि अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से अपने कैपेसिटी एबिलिटी के हिसाब से आप लोग इस पे लिखने की कोशिश करें और फिर किसी से चेक करवाएं। इवन इन टुडेज ऑन कैंपस क्लासम न्यू बेच के जो स्टूडेंट्स थे वर asking questions related to this particular dilemma ke sir they are unable to start their writing by writing ko aap ek systematic ek holistic ek symbiotic ek planned aur ek structured approach ke sath aap deal kare then you can write them इसमें अगर मैं एक दूसरी technicality पर बात करूं, some of the students इनिशियली देर अनएबल टू राइट कंप्लीट या फुलज एसे आप लोग ये करें कि स्मॉल पैराग्राफ से शुरू करेंटेंसिस की शक्ल में फिर पैराग्राफ को आप लोग डिवेलप करें पैराग्राफ में ट्रांसफॉर्म करें कन्वर्ट करें फिर दो पैराग्राफ्स लिख ले फिर तीन पैराग्राफ्स लिख ले फिर चार लिख ले फिर पांच लिख ले फिर इसके बाद आप लोग ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव तक आप लोग इस एक्सरसाइज को एनहेंस करें अपने एबिलिटी को स्ट्रेंथन करें यह आप तब कर सकते हैं व्हेन यू प्रैक्टिस होपफुली स्टूडेंट्स जो हाउ टू स्टार्ट राइटिंग एंड एस जो भी मैंने आपको स्टेप्स बताए टेक्निक्स बताए दे माइड बी हेल्पफुल आप लोग इसको इनको इम्प्लीमेंट करें और घर बैठ के आप खुद तैयारी करें यू कैन डो और अगर किसी से आप एसेस करवा सकते हैं चेक करवा सकते हैं एवेल्यूवेट करवा सकते हैं दिस इज यू कैन से अ ब्लेसिंग एंड डिजगाइ एंड दिस इज रिस्क फ्री एक्सरसाइज वो आपको आपके शॉर्टकमिंग्स के बारे में आपके इनॉमलीस के बारे में आपके एरर्स के बारे में लोकेट करेंगे एंड यू कैन ईजिली ओवरकम दिस डायलेमा अभी स्टूडेंट्स थर्ड एसें वट इज एन एस एंड वाई इट इज डिफरेंट फ्राम जर्नलिस्टिक आर प्रेस राइटिंग या फिर स्टूडेंट्स अगर मैं इस चीज़ को सिंप्लीफाई करूँ तो हमारे जो एकेडेमिक राइटिंग के जो एसेज हैं या एकेडमिक राइटिंग और आपकी जो न्यूज़ पेपर्स है मैगजीन्स हैं जर्नल्स है रिसर्च पेपर्स है दोनों के राइटिंग्स में या जानरस में कौन कौन से डिफरेंसेस हैं आप लोग इसके लिए खुद पढ़ लें डिफरेंसेस बिटवीन फॉर्मल लैंग्वेज एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज तो फॉर्मल लैंग्वेज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो स्पेसिफिक्स हैं जो फीचर्स हैं आप लोग वो एडाप्ट करें अपने राइटिंग के अंदर लेकिन इस पूरे प्रोसेस को मैं सिंपलेस्ट पॉसिबल वे के साथ में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट्स ऐसे नंबर वन आउटलाइन दो टाइप्स के आउटलाइन आपके एक फॉर्मल आउटलाइन एक इनफॉर्मल आउटलाइन इनफॉर्मल आउटलाइन या रफ आउटलाइन ये इनिशियली आप जब ऐसे लिखेंगे ऐसे आप ऐसे शुरू करें रफ <coughs> आउटलाइन से रफ आउटलाइन आप लिख लें आप इंट्रोडक्शन शुरू करें ठीक है दो पेजेस आप छोड़ेंगे फॉर्मल आउटलाइन के लिए या ओरिजिनल आउटलाइन के लिए आपने फॉर्मल या रफ आउटलाइन आपने लिखना शुरू किया वो आपने फिनिश किया अभी आप इंट्रोडक्शन की तरफ आ गए इंट्रोडक्शन आप शुरू करें ऐसे की अभी आपको पॉइंट्स आएंगे जब आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो आपको पॉइंट्स आएंगे आप रफ आउटलाइन में साथ-साथ एडिट साथ करते जाएं रफ आउटलाइन में आप चीजों को क्रॉस आउट करें रफ आउटलाइन में आप चीजों को रीअरेंज करें आपने इंट्रोडक्शन को सक्सेसफुली कंपोज किया या कंपाइल किया अब ये बॉडी पैराग्राफ्स की तरफ आए जब आप बॉडी पैराग्राफ्स कंपोज करेंगे तो स्टूडेंट्स आप लोग साथ साथ न्यू आइडियाज भी जनरेट करेंगे वो आप रफ आउटलाइन में साथ साथ लिस्ट किया करें ठीक है अनटिल मतलब यू विल रीच योर कंक्लूजन कंक्लूजन के लास्ट फुल स्टॉप तक आप रफ आउटलाइन को साथ साथ नीट करते जाएं बिल्कुल आपने ऐसे को कंपाइल किया आपने ऐसे को कंपोज किया अभी जो इनिशियली बिगिनिंग में आपने दो पेजेस छोड़े थे रफ आउटलाइन को आप इन दो पेजेस पे नीट करें ठीक है मेजॉरिटी स्टूडेंट्स पहले आउटलाइन लिखते हैं फॉर्मली फिर ऐसे लिखना शुरू करते हैं तो विद इन अ विंडो ऑफ थ्री आवर्स आउटलाइन में बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को मिस करते हैं बहुत से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ऐसे के अंदर इंक्लूड भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम तो काइंडली आप लोग फर्स्ट इन फॉर्मल आउटलाइन बना दे फिर फॉर्मल आउटलाइन सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज है ऐसे की दैट इज यूर सॉरी सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज योअर इंट्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन के फीचर्स को आप लोग अंडरस्टैंड करें इंट्रोडक्शन को हाउ टू बिगिन यूर इंट्रोडक्शन कोई कोटेशन से शुरू करेगा कोई नेगेशन से शुरू करेगा कोई स्टोरी टेलिंग से आप कोई भी अप्रोच आप ऑप्ट करें यहां पे लेकिन प्रोवाइडेड यू कैन इंप्लीमेंट इट सक्सेसफुली आपने इंट्रोडक्शन को सक्सेसफुली बिगेन किया तो अभी आप इंडक्टिवली या डिडक्टिवली आप हाइपोथेसिस या सिलजिज्म के जरिए आगे मूव करेंगे आगे, आगे आप ट्रांजिशन करेंगे इसके अलावा आप तीसरी स्टेटमेंट को पे पुट करेंगे एंड व्हाट शुड बे द रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूर तीसरी स्टेटमेंट दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फिर आप इसके अंदर चीजों को इंटीग्रेट किस तरह करेंगे पूरे ऐसे को आप रिफ्लेक्ट किस तरह करेंगे फिर आप यहाँ पे सस्पेंस किस तरह क्रिएट करेंगे फिर आप ऑप्टिमिस्टिक नोट के साथ किस तरह इसको कंक्लूड करेंगे मेजॉरिटी जब भी मैं एस चेक करता हूं ठीक है तो स्टूडेंट्स दे राइट वेरी रैंडमली इवन दे डोंट केयर अबाउट द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ दिस स्टेटमेंट इन देयर इंट्रोडक्शन कि बिगिनिंग में हम इसको प्लेस करें मिडल में या बिल्कुल एंड पोजीशन पे तो स्टूडेंट्स ये दीज आर वेरी क्रिटिकल थिंग्स और एग्जामिनर इन चीजों को माइनोटली और मोटिक्यूल इन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं इंट्रोडक्शन तो हमारा हो गया अभी जब ये लोग बॉडी पैराग्राफ की तरफ आते हैं बॉडी पैराग्राफ स्टूडेंट्स में आपको यह पे एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ यूर तीसरी स्टेटमेंट सपोर्ट्स यूर ऐसे एंड यू आर एस एस सपोर्ट यूर तीसरी स्टेटमेंट हर पैराग्राफ में बारे के हर पैराग्राफ में आप तीसरी स्टेटमेंट को सपोर्ट करेंगे या पे मेजोरिटी स्टूडेंट्स को कंट्रोलिंग आइडिया के बारे में डायरेक्शन के बारे में टॉपिक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं फिर जब ये लोग डेवलपमेंट और सपोर्ट की तरफ आते हैं आर्ग्यूमेंट क्लेम एविडेंस की तरफ देर डोन्ट नो द डिफरेंसिजम फिर जब पैराग्राफ को कंक्लूड करते बॉडी पैराग्राफ को और फिर जब इस पैराग्राफ से ट्रांजिशन करेंगे दूसरे पैराग्राफ की तरफ मूव करेंगे इट्स ऑल ग्रीक टू देम। इतना आसान है स्टूडेंट्स ऐसे राइटिंग प्रोसेस अगर आप लोग साइंटिफिकली आप लोग क्रिएटिवली इनके डायनेमिक्स को आप लोग अंडरस्टैंड करें मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं सी एस एस पी एम एस के अंदर बॉडी पैराग्राफ हर आउटलाइन से एक हेडिंग आप उठाएंगे और इसको इस पैराग्राफ के अंदर एक्सप्लेन करेंगे जिसको हम कहते हैं यूनिटी कोहीजन कोहेरेंस डेवलपमेंट इसके अलावा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन ये स्टूडेंट सब चीज अगर मैं बिल्कुल आसान एक्सप्लेन करके बता दूं तो सब चीजों का मतलब यह है कि आप ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें और आप न्यू इनोवेटिव आइडियाज डिस्कस करें सब चीजों का मतलब यह है लेकिन टेक्निकल जॉर्गन्स की वजह से कीवर्ड्स की, की वजह से टर्मिनोलॉजीज की वजह से दे दे सीम टू बी वेरी डिफिकल्ट एंड कंप्लेक्स अगर फिर मैं इस पूरे डिस्कशन को बिल्कुल डिस्कशन का क्रक्स में आपके साथ शेयर करो तो इसका मतलब यह है कि, कि ग्रामेटिकली आप एरर्स फ्री लैंग्वेज लिख लें और जो आइडियाज आप डिस्कस करेंगे दे शुड बी इनोवेटिव दे शुड बी क्रिएटिव एंड दे शुड बी क्रिटिकल फिर स्टूडेंट्स हम फोर्थ जो कंपोनेंट है दैट इज कंक्लूजन कंक्लूजन का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि जो आपका थीसिस था इस थीसिस को आप रिफ्रेश करें और हर पैराग्राफ के मेजर आइडिया को आप रिफ्रेश करें और फिर ऑप्टिमिस्टिक नोट के साथ आप खत्म करें मेजॉरिटी जब भी मैं देखता हूं तो स्टूडेंट्स कंक्लूजन के अंदर न्यू चीजों को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स कंक्लूजन के अंदर सिर्फ इफेक्ट्स पे बात करेंगे या प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे या इवन थीसिस को नरेड भी नहीं करते तो दैट इज द मेजर या दीज आर दैलियंट डिफरेंसेस सेलियंट फीचर्स ऑफ सी एस एस आर पी एम एस एस ए राइटिंग तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग खुद भी इन चीजों को पढ़ ले इन पे प्रैक्टिस करें बेयर मिनिमम आप क्लासेज अटेंड करें किसी भी ट्यूटर से यू कैन हैंडल यू कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम नेक्स्ट जो हमारा है वाई स्टूडेंट्स फेल इन सी एस एस एसे यहाँ पे स्टूडेंट ये जो एफ पी एस सी वाले रिपोर्ट थे 2014 के 16 के 18 के वो रिपोर्ट्स मैंने तरोली पढ़े और मेजर रीजंस ऑफ फेलियर मैंने लोकेट किए या पे अगर आप लोगों के साथ मैं शेयर करो और आप लोग नोट करें 16 के रिपोर्ट्स 14 और 18 ये मेजर जो इनके फाइंडिंग्स थे इनके रिमार्क्स थे या इनके ओपिनियंस थे वो मैंने आ, रिसर्च करके एक एक चीज को मैंने यहां पे लिस्ट किया और दे दे आर वेरी मच इजी अगर आप लोग खुद भी रिपोर्ट्स पढ़ ले नंबर वन लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक होलिस्टिकली हर टॉपिक के दो डायमेंशन है लिटरल एंड अनदर प्रैक्टिकल डायमेंशन जब आप राइटिंग के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे मतलब आप थी को आर्ग्यूमेंट में किस तरह कन्वर्ट करेंगे आप किस तरह डिवेलप करेंगे आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे तो दो डायमेंशन थियोरेटिकल डायमेंशन और प्रैक्टिकल डायमेंशन थियोरेटिकल डायमेंशन में मीनिंग और प्रैक्टिकल डायमेंशन में राइटिंग इंप्लीमेंटेशन जब आप इंप्लीमेंट करेंगे सेकेंड डिसऑर्गेनाइजेशन लैक ऑफ कोहिजन एंड कोहैरेंस डिस मेजॉरिटी स्टूडेंट्स आउटलाइन को फॉलो नहीं करते आउटलाइन में जो चीजें वो लिस्ट करेंगे ऐसे के इंट्रोडक्शन में बॉडी में कंक्लूजन में वो चीजें डिस्कस नहीं करते इसके अलावा क्लासिफाई नहीं करते प्राइमे आइडिया करेंगे इंडक्शन एंड डिडक्शन एक को हम सिलेजिजम कहते दूसरे को हम हाइपोथिस फ्रॉम जेनरल टू स्पेसिफिक फ्रॉम स्पेसिफिक टू जेनरल जो भी आर्ट आप मेस्टर करने की कोशिश करें लेकिन सही तरीके से करें बहरहाल ऐसे के अंदर दोनों को आप इंटीग्रेट करेंगे नंबर फोर लेक ऑफ कंप्लीटिंग द लेंथ द लेंथ इज बिटवीन ट्वेंटी फाइव हंड्रेड टू थर्टी फाइव हंड्रेड वर्ड्स जरूरी नहीं कि आप लोग थर्टी फाइव हंड्रेड लिख लें आप थ्री लिख लें आप ट्वेंटी लिख लें लेकिन कम से कम टू सॉरी थाउजेंड को तो आप लोग क्रॉस करें ट्वेंटी वन हंड्रेड लिख ले ट्वेंटी टू हंड्रेड लिख लेटेंट नंबर फाइव एरर्स राइफ लैंग्वेज मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कहता हूं अभी नहीं क्लास के बाद आप लोग सेशन के बाद आप लोग बैठ जाए और दो तीन स्पेलिंग्स लिख ले एज एन एग्जामिनर मैं आपको बताता हूं प्रिविलेज का स्पेलिंग आप लोग लिख लें सावरण या सवरणटी का स्पेलिंग लिख लें, अनसर्टनिटी का स्पेलिंग लिख लें हेरेसमेंट का लिख लें टैरिफ का लिख लें ठीक है कमिटमेंट का लिख लें एग्जिस्टेंस का लिख लें एग्जिस्टेंस इसके अलावा बाकी भी स्पेलिंग है जो मैं अक्सर डेली बेसिस पे मैं चेक करता हूं दे विल बी रॉन्ग आज ये प्रैक्टिस मैंने करवाई है स्टूडेंट्स से दे रूट रॉन्ग स्पेलिंग अच्छा स्टूडेंट्स नेक्स्ट नंबर आउटलाइन न पैटर्न के बारे में नंबर के बारे में और न राइटिंग अप्रोच के हवाले से स्टूडेंट्स इन चीजों पे फोकस करते हैं फ्लड आर्ट ऑफ आउटलाइन कि आप नंबरिंग किस तरह करेंगे आप कितने पॉइंट सेट करेंगे आप किस तरह लैंग्वेज यूज करेंगे ठीक है नंबर सेवन लैक ऑफ कलोकेशनली वेल डिफाइंड ओकेबलरी दे से के स्टूडेंट्स एब्यूसिव ओकेबलरी इस्तेमाल करते हैं ठीक है गटर लैंग्वेज में बात करते हैं कलोकेशनली वेल डिफाइंड ओकेबलरी का मतलब यह है कि हम अक्सर कहते हैं रैम्प एंड करप्शन सिस्टेमिक पावर्टी ब्रोइंग क्राइसिस। ठीक है वर्ड्स के दरमियान रिलेशंस को कलोकेशन कहते हैं ठीक है मतलब फॉर्मल ओकेबलरी में आप बात करें नंबर एट ग्रामर टेंस रिलेशन पैरल यूजिजम नंबर नाइन लिटरल ट्रांसलेशन वर्ड फॉर वर्ड सब्सटेंस मीनिंग पे फोकस नहीं करते ट्रांसलेशन करते फ्रॉम वन लैंग्वेज इनटू टू अ और लिटरल मतलब आप सब्सटेंस की बात कर रहे हैं आप उधर मीनिंग पे फोकस करें सेंस पे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स वो अपने मदर टांग को ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में अच्छा नंबर एलेवन सॉरी नंबर टेन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप किस ऑर्डर को फॉलो करेंगे इंट्रोडक्शन से बॉडी बॉडी में जो आप चैलेंजेस पे इफेक्ट्स पे सोल्यूशन पे कंक्लूजन तक टॉपिक सेंटेंस पर आप सपोर्ट किस तरह करेंगे आप अर्ग्यू किस तरह करेंगे नंबर इलेवन क्लैरिटी एंड ब्रेविटी न चीजों को क्लैरिफाई करते हैं और न चीजों को ब्रीफ कर सकते हैं ठीक है क्लैरिटी जब आप सेंस क्रिएट करें ब्रेविटी जब आप चीजों को प्रिसाइज करें नेक्स्ट लैक ऑफ पैरा डायनेमिक्स पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताऊंगा हर पैराग्राफ के अंदर आप लोग एक मेजर आइडिया को इंट्रोड्यूस करेंगे फिर पूरे पैराग्राफ के अंदर इस मेजर आइडिया को आप आर्ग्यूमेंट्स और एविडेंसिस के जरिए सब्सटेंशियट करेंगे सपोर्ट करेंगे डिवेलप करेंगे लेट सपोज आपने टॉपिक सेंटेंस में मेजर आइडिया को इंट्रोड्यूस किया के सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन कैनेडा इज द बेस्ट सिस्टम या पावर्टी इज ड्यू टू सिस्टमैटिक इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन अब स्टूडेंट्स पावर्टी और सिस्टमेटिक इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन के दरमियान लिंक को रिलेशन को थ्रू आउट पैराग्राफ के अंदर आप एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे आप लोग एक्सप्लेनेशन दे दें आप लोग डिफेनेशन लिख लें आप लोग कंपेयर एंड कंट्रास्ट करें आप लोग काज एंड इफेक्ट पे बात करें आप कोटेशन से काम चला लें आप फैक्ट्स एंड फिगर्स यहाँ पे डिलीवर करें आप एग्जांपल्स लिख लें यहां पे तो जिस तरीके से भी आप चीजों को एक्सप्लेन करेंगे लेकिन इन दोनों के दरमियान इस रिलेशन पे आप बात करेंगे फिर लास्ट में आप इसको कंक्लूड करेंगे पूरे डिस्कशन को और फिर आप ट्रांजिशन करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ यहाँ पे न कोई मेजर आइडिया पे बात करेगा न इसको सही तरीके से एक्सप्लेन करेगा आर्ग्यूमेंट्स को एविडेंसिस के जरिए न सपोर्ट करेगा कंक्लूड करेगा और न कोई ट्रांजिशन करेगा नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ ये सारे आपके कोरेंस या जो भी टेक्निकलिटीज मेजॉरिटी मतलब हम इनको मुश्किल बनाते हैं ये इनसे आपके रिलेटेड है नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स में एक्सप्लेन करूंगा एफ पी अगर आप लोग इसी तरह ये देख लें एफ पी एस सी के रिपोर्ट्स आप लोग डाउनलोड करें और आप लोग प्रिंट करवा लें खुद बैठ के आप लोग पढ़ लें ये जो चीजें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की दे हैव बिन डिस्कस्ड लेकिन फिर भी ऐसे के सिलेबस के बारे में मैं आपको तीन चार चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ये यहाँ पे मैंने लिस्ट किए थे ऐसे के जो रिक्वायरमेंट्स है नंबर वन कंप्रीहसिव एंड रिसर्च बेस्ड नॉलेजम कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिसर्च बेस्ड नॉलेज नंबर सेकेंड आर्टिकुलेशन नंबर थर्ड एक्सप्रेशन नंबर फोर्थ टेक्निकल ट्रीटमेंट सिलेबस के अंदर देर आर फोर फंडामेंटली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या फोर स्पेसिफिक्स ऑफ एस राइटिंग इसका मतलब नंबर वन का मतलब है कि आप कंप्रिहेंसिव एंड रिसर्च बेस्ट नॉलेजम किसी भी टॉपिक पे जब आप लिखेंगे तो थोड़ा सा रिसर्च करें इसको कॉम्प्रिहेंसिव बना दें इसमें डिफरेंट चीजों को आप इंक्लूड करें डिफरेंट डायमेंशन पे बात करें सेकेंड आर्टिकुलेशन हाउ टू प्रेजेंट यूर सेल्फ हाउ टू डिस्क्राइब समथिंग नंबर थर्ड एक्सप्रेशन लैंग्वेज सिंपल मतलब ये है ग्रामर स्टाइल नंबर फाइव टेक्निकल ट्रीटमेंट कि आप यहां पे ऑर्गेनाइजेशन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को क्लैरिटी को आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ राइटिंग एक्सपोजिटरी एनालिटिकल आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव कॉज एंड इफेक्ट डेफिनेशन हिस्टोरिकल दिस एंड ये चीज़ें आप इंक्लूड करें पूरे सिलेबस द होल सलेबस इज बेस्ड ऑन दीज फोर वाइटली सिग्निफिकेंट इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट ये देख लें खुद आप लोग सिलेबस को देख लें अच्छा नेक्स्ट जो हमारा है मॉडल इंट्रोडक्शन एंड आउटलाइन, ये स्टूडेंट्स मैंने स्टूडेंट्स के लिए लिखा था दिस इज योर आउटलाइन, पूरे ऐसे के आउटलाइन को मैंने स्केच किए ठीक है ठीके? ये सिर्फ देख लें this is your introduction first page introduction second page बस इंट्रोडक्शन तकरीबन ऐसे का जो इंट्रोडक्शन है टू फिफ्टी वर्ड से लेके फोर हंड्रेड वर्ड्स तक और सेंटेंसिसम ट्वेंटी फाइव से लेके थर्टी तक लेकिन आप कौन से सेंटेंसेस लिखेंगे सिंपल सेंटेंसेस कंपाउंड सेंटेंसिस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसिस कंपाउंड कंप्लेक्स ये चीज आप लोग अभी से लोकेट करें ठीक है जब आप लोगों को सेंटेंसेस की समझ आ जाए देन इट्स क्वाइट इजी आप लोग आसानी के साथ कंप्रीहेंड कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक एजेंडा है दैट इज एवेल्यूएशन और असेसमेंट ये चीजें जस्ट गिव मी टू सेकेंड्स evaluation के बारे में स्टूडेंट्स दिस एसे ही सिक्योर्ड फिफ्टी नाइन मार्क्स ठीक है मैं सिर्फ असेसमेंट की बात करता हूँ फर्स्ट आई विल डिस्कस दिस वन ये आउटलाइन से लेके आपके कंक्लूजन तक वर्ड फॉर वर्ड मैंने चेक किया बेड बाई बेट स्पेलिंग से रिलेटेड सेंटेंस से रिलेटेड सेंटेक्स से रिलेटेड समैंटिक से रिलेटेड डिवेलपमेंट से रिलेटेड एक एक चीज को मैंने पिन पॉइंट पौ, किया ये मेरा स्टूडेंट है लेकिन ये इसकी फर्स्ट ऐसे नहीं है दिस इज नॉट हिज फर्स्ट ऐसे दिस इज हिज एलेवेंथ और टर्टीन और ऐसे फर्स्ट जो थे ही वॉज अनएबल टू सिक्योर पास मार्क्स एन एस एम वेरी गुड कैलीग्राफी बट ही सिक्योर्ड ट्वेंटी नाइन मार्क्स वाई बिकॉज सिर्फ अगर आप देख ले एसे के अंदर हेडिंग्स या ग्रामेटिकल एरर्स या पंक्चुएशन से रिलेटेड एरर्स या या आइडिया से रिलेटेड एरर्स। एवेल्युएशन की सिर्फ में सिग्निफिकेंस के बारे में शी है फोर्टी सिक्स अभी स्टूडेंट्स में एवेल्युएशन पे आता हूं मेजॉरिटी ऑफ सी एस एस एंड पी एम एस आर कैंडिडेट्स दे राइट On daily basis, but they lack in one thing they do not get their scripts checked from some specialist, mentor, expert, professional, teacher, or you can say, knowledgeable person. According to your perception, it might be correct, but according to someone's as perception it might be faulty it might be flawed it might be not up to the mark students evaluation assessment marking checking it's very much important it's directly proportional to your success in css and pms i'm going to convince you but i'm going to talk about, to explain, to highlight the significance of evaluation of your scripts. किसी भी एकेडमी में किसी भी टीचर के पास किसी भी एक्सपर्ट के पास आप लोग मॉक एग्जाम्स ले लें आप लोग एसे और प्रेसी के राइट अप्स चेक करवाए नेक्स्ट जो है आपका एफपीएससी एग्जाम स्ट्रेटजी, पीएससी एग्जाम स्ट्रेटजी। वो तो मैंने एक फाइल पे किया था बहरहाल यहाँ पे मैं इससे एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगा ये आपको आंसर बुक दिया गया लेट सपोज ये ठीक है ये जो आपके फर्स्ट टू पेजेस है दिस एंड देट ये बिल्कुल आप ब्लैंक छोड़ दें लास्ट टू पेजेस पे आप आउटलाइन लिखना शुरू करें इनफॉर्मल आउटलाइन इनफार्मल आउट ये आपको आंसर बुक दिया गया ये फर्स्ट टू पेजेस आप लोग बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दें लास्ट टू पेजेस पे आप रफ आउटलाइन बनाना शुरू करें वो जो शुरू में मैंने एक्सप्लेन किया था रफ आउटलाइन तो पेज नंबर थर्ड या फोर्थ या से आप इंट्रोडक्शन शुरू करें कंक्लूजन तक आप लिख लें आप अपने आउटलाइन को साथ साथ अपडेट करते जाएं ठीक है और फिर इसके बाद आप अपने आउटलाइन को नीट करें अभी मैं आप लोगों के क्वेश्चन की तरफ आता हूँ शुरू से अच्छा सर आई हैव अ क्वेश्चन इफ़ वांट टू टेक सी एस एस एग्जाम देन वेन विल आई शुड स्टार्ट द प्रिपरेशन अच्छा आप नवीद इस तरह कर लें कि अभी से आप सी एस एस के सिलेबस को अंडरस्टैंड करें ठीक है आप सी एस एस के सिलेबस को अंडरस्टैंड करें पी एम एस के सिलेबस को इसके मुताबिक आप कोई रेलिवेंट बुक पढ़ना शुरू करें या जो भी रिलेटेड टॉपिक्स पे आपको मटेरियल मिलेगा आपको कॉन्टेंट्स मिलेंगे आप रीड करना शुरू करें और साथ साथ डेली बेसिस पे आप राइटिंग भी शुरू करें पैराग्राफ राइटिंग या सेंटेंस ठीक है थीके? लेकिन सिलेबस को पूरे सिलेबस को अंडरस्टैंड करें कंपल्सरी के पेपर्स को और ऑप्शनल सारे कभी कभी रेंडमली आइसोलेटेडली आप ऑप्शनल भी देख ले लेकिन ज्यादा फोकस आप कंपल्सरी पे करें अच्छा आई एम ऑलरेडी स्टूडेंट ऑफ सर ठीक है आप लोग क्वेश्चन करें अच्छा फॉर ट्वेंटी एग्जाम करंट अफेयर्स ठीक है आप लोग इंग्लिश में प्लीज क्वेश्चन करें अ क्वेश्चन इफ आई वांट टू कु यू प्लीज टेल अस अबाउट एक्जेक्ट पोजिशन ऑफ थी स्टेटमेंट इन ऐसे बिल्कुल ठीक है एज फार एज द प्लेसमेंट ऑफ यूर थी इज कंसर्न इन यूर इंट्रोडक्शन आप लोग कोशिश करें कि बिल्कुल या मिडल पोजिशन में आप लोग प्लेस करें या बिल्कुल एंड पे आप प्लेस करें लेकिन फर्स्ट पैराग्राफ में आप प्लेस करेंगे ओपनिंग पैराग्राफ में बिगेनिंग में बिल्कुल जो आप फर्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे मिडल पोजीशन में करें या एंड पोजीशन पर करें ज्यादा से ज्यादा टीचर्स एंड पोजीशन रिकमेंड करते हैं लेकिन मिडल पोजीशन भी आसान है ठीक है एनी अदर क्वेश्चन टेक्निक नेट पर शेयर करें अच्छा एक्जैक्टली uh, exactly, मैंने सी टाइम्स पे ऑलरेडी uh, अपने आर्टिकल्स लिखे थे तो आप लोग उधर से भी पढ़ सकते सी एस टाइम्स पे न्यूज़पेपर डेली बेस पर करते हो अच्छा ट्वेंटी में मेरी प्रिपरेशन तो अच्छा प्रिपरेशन मीन्स आई हिस्ट्री एंड पाकिस्तान अफेयर्स गाइड में प्लीज स्टूडेंट्स प्लीज़ मुझे उर्दू की समझ नहीं आती इंग्लिश में ये क्वेश्चन आप लोग करते हैं मैंने भी गलती की सर कैंडली नेट पे बिल्कुल नेट पे मैं शेयर करूँगा सर हाउ टू स्टार्ट राइटिंग फॉर सी एस एस ये तो मैंने मेरे ख्याल में जो हमारे पास हाउ टू स्टार्ट राइटिंग लेक्चर को आप रिवाइज करें आ, इसको आप लिसन करें अगेना सेकंड नंबर पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया था सर आई एम पेयरिंग ए सी एस ट्वेंटी फॉर बोथ अपन के पी पी एम एस बिल्कुल एक्जेक्ट रहे अभी से आप अकेडमी ज्वाइन करें जो भी आप अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं ठीक है किसी भी ट्यूटर को किसी भी टीचर को अभी से आप शुरू करें क्लासेस कंपल्सरी के भी और ऑप्शनल के भी और खुद अपनी तरफ से भी तैयारी करें मेजॉरिटी केसेस में आप लोग लाइब्रेरीज में पढ़ने की कोशिश करें सर इफ़ यू रिस्ट्रिक्ट ओनली टू सिंपल सेंटेंसेस इन इट बी बिल्कुल अगर आप गलत लिखेंगे कंप्लेक्स सेंटेंसेस या कंपाउंड या कंपाउंड कंप्लेक्स या अगर आप ज्यादा से ज्यादा पंक्चुएट करेंगे सेंटेंस के स्ट्रक्चर को आप लेंथन करेंगे तो इससे बेहतर है कि आप सिंपल सेंटेंसेस में बिल्कुल लिख लें बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस में ठीक है सेंटेंसेस को आप थोड़ा पढ़ लें इंटरनेट पे सर कैन ले यूर सजेस्ट मी इन दी सी एस पी एम ए दोनों गो फॉर बोथ बोथ आर सेम लेकिन पी एम एस में यह है कि uh, मैं तो आई विल से कि टफ कंपटीशन है बहुत ज्यादा लोग पेपर uh, देंगे और सी एस एस में यह है कि क्वालिटी बहुत ज्यादा है पी uh, एमएस में भी है लेकिन दोनों दे आर कम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड दे हैव देयर ओन स्पेसिफिक्स तो अवेल यूअर सेल्फ ऑफ बोथ अपॉर्चुनिटीज एनी अदर स्टूडेंट प्लीज फिर वाइंड अप करते हैं अच्छा जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं सी एस एस पी एम एस एस एंड प्रेसी के क्लासेस में ठीक है तो आप लोग uh, मुझे कांटेक्ट करें uh, मेरे पेज पे uh, मैंने एडवर्टीजमेंट में भी uh, अपने कांटेक्ट को मेंशन किया था फ्रॉम टुमारो और द डे आफ्टर टुमारो इनश्ल फॉर्मली वी विल बिगिन आवर क्लास एस एंड प्रेसी इसमें यह है कि तकरीबन टू मंथ्स का सेशन होगा इसमें पहले हम थियरेटिकली साथ साथ पैराग्राफ राइटिंग मिनी एसे राइटिंग प्रेसी राइटिंग कम्प्रीहेंशन राइटिंग इन चीज़ों पे हम फोकस करेंगे फिर इसके बाद फुली फ्लैज ऐसे वो भी हम आ, कंटेक्ट करेंगे आ, कुरियर के जरिए या पी के जरिए और साथ साथ में आप लोगों को फीडबैक भी आ, दे दूँगा हर ऐसे पे हर प्रेसी पे कम्प्रिहशन पे सेंटेंसिस पे ओकेबलरी पे तो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है वो मुझे काइंडली इंटीमेट uh, uh, करे वो मुझे इन्फॉर्म करें फेसबुक पेज पे भी टाइम लाइन पर भी मेरे मैसेंजर पे भी और uh, मेरे कंटेक्ट जीरो थ्री फोर फाइव फाइव जीरो डबल नाइन सेवन एट डबल टू तो इनशाला फ्रॉम टुमारो और द डे आफ्टर टुमारो वी विल बिगिन इट फॉर्मली सर यू हैव यूज वर्ड

जिनके बारे में जिनके मीनिंग सेंस एप्लीकेशन के बारे में आपको नॉलेज है आपको एक्सपर्टीज है सर वट इज बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर ए एंड प्रेसी पेपर प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इनशाला जो भी स्टूडेंट्स दे वॉन्ट टू सिक्योर देयर एडमिशन तो ऑन अर्जेंट बेसिस शुड देट इट टू मी एंड फ्रॉम टुमारो आर द डे आफ्टर टुमारो वी आर सपोज टू स्टार्ट आवर क्लासेस For both CSS and PMS formally. Time will be 6 pm and session will continue for two months, inshallah. Till then, Allah, face see you next and I'm very much thankful for.